हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास है होंडा शाइन 125 BS6 FI वाली वेरिएंट है। और बहुत ऐसे मैकेनिक भाइयों का रेगुलर कमेंट आता है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीखने लायक मिले, तो आज की इस वीडियो में यानी एक सिंगल वीडियो में आपको चार ऐसे चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपको डेली लाइफ में यूज करने के लिए आता है। सबसे पहले इसके हम फ्यूल पंप के वोल्टेज को चेकआउट करेंगे, काम ना करे तो क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए। दूसरे में इसके इंजेक्टर को चेक करेंगे, उसके इनपुट वोल्टेज और खराब हो जाने के बाद कैसे पता करें। तीसरा, इसका पर्ज वाल्व को भी चेक करेंगे। और चौथा, इसके कंप्लीट फ्यूल सप्लाई के चीजों को चेक करेंगे कि फ्यूल सप्लाई ना हो तो क्या क्या चीज चेक करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में कम समय में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और देखें लुक वाइज तो BS6 की गाड़ी है, जब भी आपके पास गैराज में प्रॉब्लम लेकर आता है तो कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है एक एक स्टेप बताएंगे, क्योंकि फॉल्टी गाड़ी नहीं है, गाड़ी एकदम प्रॉपर है। चेक करने का क्या सटीक तरीका रहेगा इसी नई गाड़ियों में आपको चेक करके दिखाएंगे ताकि इन्फॉर्मेशन आपके पास एकदम करेक्ट पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए एंड तक बने रहिएगा, एक एक स्टेप आपको बताते चलेंगे। तो मैकेनिक दोस्तों, देख पा रहे हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड के पैनल को ओपन कर चुके हैं सिर्फ आप लोग के साथ ये प्रूफ शेयर करने के लिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप तीन चीजों को कवर करना है। सबसे पहला ये देखना है कि फ्यूल पंप ना चले तो उसको कैसे चेक करना, उसके इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताते चले, इसके अंदर लगाया गया है 3-फेस पंप। अब 3-फेस पंप को वर्क करने के लिए 12 वोल्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ 2.5 वोल्ट के करंट से ही हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको वो 2.5 वोल्ट का करंट कैसे चेक करना है, इसमें बॉडी अर्थ का भी वायर नहीं होता है, वो सारे स्टेप बताएंगे। फिर इसके फ्यूल पंप से ले जाएंगे इंजेक्टर तक, और इंजेक्टर से आपको पर्ज वाल्व की जो है कंप्लीट टेस्टिंग बताएंगे, और फ्यूल सप्लाई के भी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बताते चले कि यहां पर अगर देखें तो ये जो फ्यूल पंप का जो कपलर है इसके अंदर कितने वायर दिए गए हैं, 3 वायर। अब तीनों के तीनों वायर हैं ब्राउन कलर के। अब सबसे पहले यह आपको देखना है कि जब भी आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करें और उस कंडीशन में फ्यूल पंप ना चले तो सबसे पहले इन तीनों वायर में आपको 2.5 वोल्ट का करंट चेक करना है। अभी देखिए, सबसे पहले इसके चलिए इग्निशन को ऑन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारी गाड़ी में ये जो है कंप्लीट यहाँ पे 2.5 वोल्ट का करंट आता है कि नहीं। और याद रखें, ये करंट जब आएगा जब आपकी गाड़ी का ECM सही रहे। अगर आपकी गाड़ी का ECM खराब हो गया तो उस कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। अगर ECM सही रहा जब यहाँ से वोल्टेज आपको पंप वाले एरिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से बैटरी से डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आती है, ECM के थ्रू आती है। तो चलिए सबसे पहले इग्निशन को ऑन करके डायरेक्टली आपको सप्लाई दिखाते हैं इसके अंदर कितने वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, फिर इंजेक्टर को हम लोग चेक करेंगे। तो मैकेनिक दोस्तों, मल्टीमीटर को आपको स्पेशली इस तरह से कट ऑफ करना है। ये जो आपका जो ये निडल दिख रहा है ये प्रॉपर तरीके से इसके पंप वाले एरिया में लगेगा नहीं, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसका एक पतला निडल आता है वो आप कर सकते हैं या फिर इसको पूरी तरह से कट कर सकते हैं। तो ये जो एरिया है इसको मैंने कट कर लिया ताकि प्रॉपर तरीके से इसको इस जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मल्टीमीटर के इस वाले एरिया में, यहाँ पे तीनों वायर में मुझको वोल्टेज चेक करना है। तो इस एक टर्मिनल को इस वाले वायर में डालेंगे और इस वायर को यहाँ पे अटैच करने के बाद याद रखें कि आपका जो है कंप्लीट इग्निशन ऑन होना चाहिए। अगर इग्निशन को ऑफ कंडीशन में चेक करते हैं तो फिर वोल्टेज रीडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी देखिए, यहाँ पे इसके 20 पे होल्ड करेंगे ताकि 12 वोल्ट की प्रॉपर तरीके से सप्लाई देखने को मिले। अब ये जो नेगेटिव पॉइंट है इसको यहाँ से बॉडी से अटैच करेंगे और इग्निशन को ऑन करेंगे। ये देखिए, ये होता है लाइव प्रूफ कितना वोल्ट आया, 2.5 वोल्ट का। आपको फिर से एक बार इग्निशन ऑन करके फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए वोल्टेज, देखिए 2.5 वोल्ट का, यानी 2.5 वोल्ट का करंट आता है तीनों वायर में। मैंने अभी एक वायर में देखा ब्राउन प्लस ग्रे, अब देख लेते हैं ब्राउन प्लस ब्लू, तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। ये देखिए, इस वायर में भी मैंने देख लिया, अब यहां पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए 2.5 वोल्ट का, तो ये आपको सटीक पता चल गया होगा कि तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। अगर यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर आपकी गाड़ी में 2.5 वोल्ट का करंट ना आ रहा हो तो क्या चीज चेक करना चाहिए, चलिए वो भी आपको हम बताते चलते हैं। तो मैं कहना दोस्तों, सबसे जो मोस्ट रीजन देखा जाता है कि अगर 2.5 वोल्ट का करंट नहीं जा रहा है इग्निशन ऑन करने के बाद, तो या तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है या फिर उस कंडीशन में फ्यूल उड़ जाता है, ये दोनों चीज ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरा एक रीजन है जो काफी हद तक कम देखा जाता है, काफी कम प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम है कि इसका ECM से जाने वाला वायर कट जाता है।
अब आपको ये इंटरेस्टिंग चीज बता देते हैं कि जब ECM से आने वाला वायर कट जाए तो आपको कैसे पता करना है, क्योंकि बैटरी का आप मल्टीमीटर से लगाएं, 12 वोल्ट की इसकी चार्जिंग कैपेसिटी देख ली है, फ्यूज बॉक्स देख ली है, सारा चीज परफेक्ट है, फिर भी आपका पंप नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में इसके ECM के वायर कट होते हैं। कहां से कट होते हैं, कैसे चेक करना, चलिए दिखाते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो आपको ये इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं, ये आपको टेस्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए क्या बताएं, थ्री फेस पंप है, जो थ्री फेस पंप होता है उसके वर्किंग के लिए ECM से करंट जाता है। देखिए तीन वायर है ब्राउन कलर का यहाँ पे और तीन वायर है ब्राउन कलर का यहाँ पे, यानी इस तीन वायर का करंट जो है इस यहाँ पे कपलर तक जा रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए इसकी कनेक्टिविटी मोड पे मल्टीमीटर को लाना है और ये चेक करना है कि यहां से आने वाला ये वायर इसके पास आ रहा है या फिर के बीच में से कट है। अब उसको चेक करने के लिए सटीक तरीका क्या है, ये देखिए यहां पे क्या है, कंटिन्यूटी मोड, ये देखिए इस जगह पे लगा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक वायर यहां पे जो है इस ब्राउन प्लस रेड वाले वायर में लेंगे और दूसरा वायर इस ब्राउन प्लस रेड वाले वायर में लेंगे और दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस पता करेंगे कि इस बीच में जो इसके कनेक्ट होने का जो कारण है, बीच में से कहीं से कटा तो नहीं। तो उसके लिए क्या है, देखिए एक तरफ से तो मैंने इसके वायर को कट कर लिया है और दूसरा ये निडिल है। अगर इस तरह से आप मल्टीमीटर परचेज करते हैं देखिए, तो ये अगर आप निडिल चाहें तो इसके इस वाले हॉल में जाएगा नहीं और आपकी प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। जो आपको दिखाएंगे लाइव प्रूफ दिखाएंगे ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए यहां से इस निडल को कट करना पड़ेगा। अब चलिए इसको यहां से कट करते हैं और डायरेक्टली आपको इसके कंप्लीट कनेक्टिविटी चेक कराते हैं कि इसके बीच में से कहीं वायर कट हो जाता है तो चेक करने का क्या तरीका है। तो देखिए सबसे पहले इस वाले निडल को यहां से हम कट कर लेते हैं, इसको कट कर लिया। चलिए इसके सटीक वायर हम बना लेते हैं। तो ये देखिए ये वायर सटीक बन गया। अब चलिए इसको चेक करने का तरीका बता देते हैं। मल्टीमीटर होल्ड करो, ये देखिए मल्टीमीटर को यहां रख दिए। तो देखिए चेक करने का सटीक तरीका क्या है, ब्राउन प्लस रेड वाले वायर में हम एक वायर को यहां पे अटैच कर देंगे। ये देखिए ये यही स्टेप आपको मैकेनिक भाई यूज करना, दूसरा वायर इस ब्राउन प्लस रेड वायर में एड कर दिए। अब यहां पर बीप बजेगा, तो मैकेनिक दोस्तों साउंड सुने, अभी हम लोग साइलेंट रहते हैं, साउंड सुनिए, साउंड सुनाई दे रहा है। यही तीन स्टेप यूज करना है, यानी एक बार ब्राउन में फिर रेड में, फिर आपको चेक करा देते मल्टीमीटर पकड़ो छोड़ो। अभी देखिए यहां पे बीप बजा। अब क्या करेंगे, इस वायर को अगर हम अगले सिरे पे डाल देते हैं फिर बीप बजना बंद हो जाएगा, ये देखिए बंद हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से दूसरा वायर को आगे बढ़ाएंगे फिर बीप बजना शुरू हो जाएगा, ये देखिए बीप बजना शुरू हो गया। यानी तीनों वायर की कॉन्टिन्यूटी मोड पे टेस्ट करके देखना कि कहीं से कटा तो नहीं। अब इस वायर को भी हम आगे बढ़ाएंगे और वहां पे भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि थ्री फेस पंप है, तीनों वायर में से अगर एक वायर बीच से कटा, फ्यूल पंप लाख कोशिश कर लीजिए नहीं चलेगा। अब इसके वायर को यहां से आगे बढ़ाएंगे, बीप बज रहा है। तो ये होता है परफेक्ट इसके वायरिंग की टेस्टिंग की, कि इसके तीनों वायर का प्रॉपर कनेक्शन जा रहा है कि नहीं। तो फ्यूल पंप के बारे में आपको पता चल गया, चलिए इंजेक्टर के बारे में बताते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों आपको बताएं कि स्टेप बाय स्टेप ले चलेंगे, पंप का कनेक्शन कैसे चेक करना वो पता चल गया होगा, अब चलिए इंजेक्टर का कनेक्शन कैसे चेक करना वो देखना है। तो अगर इंजेक्टर छिड़काव ना करे, सबसे पहले ये देखना है कि इसके इंजेक्टर में इस वाले ब्लैक वायर में कंप्लीट 12 वोल्ट की करंट आ रहा है कि नहीं। अब इसको चेक करने के लिए देखिए यहां पे रेड वाला वायर नहीं है, याद रखना है ब्लैक कलर का, कभी भी बॉडी अर्थ ना समझे मैकेनिक भाई, हर वीडियो में बताते हैं ब्लैक कलर में यहां पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है इग्निशन को ऑन करने के बाद। अब चलिए इसको हम कैसे चेक करते हैं, यहां पे देखिए मल्टीमीटर को 20 पे होल्ड करेंगे और 12 वोल्ट का करंट चेक करेंगे। तो ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसको इस वाले टर्मिनल में ऐड करना है और ये जो एक इसे हम ग्राउंड कहीं से भी देंगे, अभी जब ग्राउंड इसको देंगे अभी मत ऑन करना मत। तो देखिए यहां पे वोल्टेज रीडिंग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक इग्निशन ऑन नहीं होगा जब तक यहां तक वोल्टेज आएगा नहीं। अब चलिए इग्निशन को ऑन करते हैं, ये देखिए इग्निशन ऑन किया, कितना वोल्ट का करंट आया, 11 प्लस यानी 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए इंजेक्टर को वर्किंग के लिए। तो जब यहां तक वोल्टेज चेक कर लिए, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इंजेक्टर खराब है या सही, उसको चेक करने के लिए चलिए स्टेप बताते हैं। तो पहले चीज की प्रॉपर टेस्टिंग होगी कि अगर इंजेक्टर वर्क ना करे तो उसके अंदर सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई,
अगर फिर भी वर्क ना करे तो ये देख लेना कि हमारी गाड़ी का सीकेपी यानी क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर सही है या नहीं, या फिर उसका जो रेजिस्टेंस जो इसके जो ECM से डेटा लेता है वो वायर परफेक्ट है कि नहीं, जो आपको पिंक कलर का दिखाएं। अगर वो कनेक्टिविटी मोड पे परफेक्ट है फिर आपको इंजेक्टर को चेक करना है। ये देखें न्यू इंजेक्टर है। अब इसकी टेस्टिंग के लिए आपको चलिए बता देते हैं कि इंजेक्टर को चेक कैसे करना है, कि इसके अंदर कहां पे मल्टीमीटर को सेट करना है। चलिए ये सटीक तरीका आपको बताते हैं। अब देखिए इंजेक्टर को जो प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो ओहम का साइन बना होता है तो ना 20 के ना 2000 के 200 ओहम पे इसे सेट करेंगे। ये देखिए 200 ओहम पे सेट कर दिए। दोनों वायर को इसके आपस में अटैच करेंगे 13.5 13.4 इस तरह से रीडिंग आपको फ्लक्चुएट करता हुआ दिखेगा। अब देखिए ये इंजेक्टर का बेसिस है तो या तो आप इस वाले टर्मिनल में इसके वायर को ऐड कर सकते हैं या फिर यहां से इस टर्मिनल को ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए इसका जो कंप्लीट आपको रीडिंग मल्टीमीटर में देखने को मिलेगा, ये देखिए क्या है रीडिंग, अभी थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। एक जगह पे होल्ड करके दिखाते हैं परफेक्टली, ये देखिए 13.5 13.4। तो ये देखिए आज तक आपने नहीं देखो किसी अदर प्लेटफॉर्म के कि इंजेक्टर का जो मल्टीमीटर से कैसे टेस्टिंग किया जाता है, तो ये रीडिंग आपके साथ लाइव हम शेयर कर रहे हैं। दो वायर को यहाँ पे टच किए और परफेक्ट रीडिंग आपको दिख रहा होगा वहां पे कि 13. कुछ इसके अंदर रीडिंग होना चाहिए। तो ये दो चीजों के बारे में आपको पता चल गया कि इंजेक्टर ना चले वोल्टेज चेक करें, रेजिस्टेंस बेस स्पेस को चेक करें। अब चलिए आपको बताते चलते हैं कि इसके पर्ज वाल्व को कैसे टेस्ट करना चाहिए, कितने इनपुट वोल्टेज आना चाहिए। और जी हाँ, साथ ही साथ आज की इस वीडियो में ये बताएंगे कि इसके पर्ज वाल्व का एरर कोड कितना है, कितने मरतबा आपके मीटर में ब्लिंक करेगा पर्ज वाल्व खराब होने के बाद। तो मैकेनिक दोस्तों सबसे पहले बात कर लिया जाए लोकेशन के बारे में। तो यहाँ पे इसका लोकेशन दिया हुआ है फ्यूल टैंक के अंदर, और इसको ओपन कर लिए ताकि आपको डिटेल के तरीके से बता सके। अब इसका जो कंपनी वालों ने नाम दिया है EVAP पर्ज वाल्व। अब EVAP पर्ज वाल्व का जो एरर कोड है वो 88 मरतबा है, यानी जब भी ये एरर कोड यहाँ पे ये खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके मीटर में चेक इंजन लाइट जलेगा, और जब उसके एरर कोड को आप निकालने की कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन में 88 यानी 88 मरतबा बिलिंग करेगा। वैसे भी यहां पे आपको दिखा दें, ये देखिए पर्ज वाल्व, और स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल में दिखेगा EVAP पर्ज वाल्व ब्लिंक कोड 88 मरतबा। अब चलिए इसकी टेस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर इनपुट वोल्टेज कितना आता है। तो उसके लिए यहां पे दिया हुआ है कपलर, तो इस कपलर को ओपन करेंगे और वायरिंग के कलर कोड की अगर बात किया जाए तो ब्राउन कलर का है और ब्लैक कलर का। क्यों है? क्योंकि यहां से सिग्नल जा रहा है ECM के पास, तो ये जो सिग्नल भेजता है कि क्या कंडीशन है अभी वर्किंग का, सिग्नल के लिए जाता है। दूसरा वायर है यहाँ पे ब्लैक प्लस व्हाइट कलर का। तो देखिए सेम टू सेम वायर इसके इंजेक्टर का वायर यहाँ आया है ब्लैक प्लस व्हाइट कलर का, तो इससे ये फील होता है कि इसके अंदर भी 12 वोल्ट की सप्लाई होना चाहिए। तो कोई भी सेंसर और एक्चुएटर को वर्किंग मूवमेंट के लिए 5 to 9 से 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए। अब चलिए मल्टीमीटर को सटीक होल्ड करते हैं और देखते हैं क्या है इसका इनपुट वोल्टेज, जो EVAP में कितना वोल्ट का काम आता है, क्या है वर्किंग का, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, वर्किंग कैसे करता है, खराब हो जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आएगा इन फ्यूचर बाद में देखा जाएगा, बट अभी टेस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी देखिए इसके वोल्टेज टेस्टिंग के लिए इसके हम स्पीडोमीटर यानी इसके इग्निशन को ऑन कर दिए हैं। अब यहाँ पे एक इसके पॉजिटिव टर्मिनल को लेंगे, नेगेटिव कहीं से भी इसके बॉडी अर्थ को डालेंगे। अब वोल्टेज की बात किया जाए तो परफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए टेस्टिंग में आपको कंफ्यूजन ना होना है, जितना यहाँ पे महत्वपूर्ण है इसके कंप्लीट पॉजिटिव वायर को देना उतना ही महत्वपूर्ण है इसके नेगेटिव वायर को प्रॉपर टर्मिनल का जगह मिलना। अभी देखिए इस वाले टर्मिनल में ओपन करके दिखाएंगे, देखिए वोल्टेज आपको प्रॉपर दिखेगा नहीं, यहाँ पे अगर टच करेंगे वोल्टेज आपको प्रॉपर दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपके बॉडी अर्थ प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं। इसको सटीक अर्थ देंगे वोल्टेज प्रॉपर 12 वोल्ट की आएगी। ये देखिए सटीक सिर्फ अर्थ के ऊपर खेल है। तो याद रखें जब भी आपके वर्किंग का चेक करना हो तो इस जगह पे आपका जो है 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए, बट याद रखें अर्थ भी प्रॉपर जगह लगना चाहिए। तो वोल्टेज के बारे में आपको पता चल गया। अब ये जो EVAP जो है इसको टेस्ट कैसे किया जाता है चलिए वो भी दिखा देते हैं। सिर्फ दो टर्मिनल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पार्ट नंबर इसका आप इस जगह पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए इस पर्ज वाल्व की हम टेस्टिंग कर लेते हैं।
तो मैकेनिक भाइयों, ये जो नई गाड़ियों में जो वीडियो शूट करने का मेन मोटिव ये होता है कि देखिए, नई जो गाड़ियां होती है वो फॉल्टी होती नहीं, कंपनी फिटेड होता है, टेपिंग तक नहीं गया है, फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंस यानी ओहम के बेसिस पे जो वोल्टेज इनपुट या फिर इसके रेजिस्टेंस बेसिस पे जो चीजें दिखाएंगे वो आपको करेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो तो कंपनी फिटेड है, गाड़ी जो रनिंग कंडीशन में भी नहीं हुई है। तो इसलिए इस चीज में आपको चेक करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या सेट किए, 200 ओहम पे सेट किए हैं वोल्ट, इसके जो है कितना आना चाहिए तो 25 से 30 तक जाना चाहिए। अभी देखिए इस जगह पे दोनों टर्मिनल को हम टच करेंगे, अब देखिए रीडिंग आपको क्या दिखेगा, परफेक्ट रीडिंग दिखेगा। तो मैकेनिक दोस्तों, थोड़ा सा टेस्टिंग में इशू होता है, पर देखिए एकदम परफेक्ट जो है इसका, हम जो है ओहम के साइन पे इसके जो है इस जगह पे दिख पा रहा हो, इसका 24 जो है फ्लक्चुएशन होता है 6-7 और 30 तक जाना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाता है तो समझ लीजिए कि वो चीज खराब हो चुका है, क्योंकि कंपनी रिकमेंडेड अभी सारी चीजें नई लगी हुई है। तो यहाँ पे जो आपको ये जो दिख रहा होगा ओहम के साइन पे, ये जो वोल्टेज ये प्रॉपर दिख रहा है, अगर इससे कम या ज्यादा होता है तो समझ लीजिए वो चीज आपका खराब हो गया। तो दोस्तों अभी तीन चीजों को मैंने कवर कर लिया, फ्यूल पंप के इनपुट वोल्टेज, फ्यूल पंप के आउटपुट और इसके रेजिस्टेंस बेसिस, इसके इंजेक्टर की टेस्टिंग कर लिया, पर्ज वाल में 12 वोल्ट का करंट और इसके ओहम के साइन पे कैसे टेस्टिंग करना वो भी मैंने बता दिया नई गाड़ी में। अब चलिए आपको फ्यूल रिलेटेड जो आने वाली प्रॉब्लम है उसका कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं और कहां से प्रॉब्लम होता है, चलिए वो चीज बताते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, आपको बता दिया जाए फ्यूल रिलेटेड जो प्रॉब्लम कहां कहां से आता है, किन किन चीजों से आता है। तो सबसे पहले अगर पाइपलाइन की बात किया जाए तो यहां पे देखें, फ्यूल टैंक से दो पाइपलाइन निकलता है, एक है इनपुट, और अगर ज्यादा फ्यूल इकट्ठा हो जाए इसके फ्यूल पंप में तो इधर से आउटपुट चला जाता है। मैकेनिक भाइयों, अगर आप बाइक में खराब या लीडेड पेट्रोल यूज करते हैं तो उस कंडीशन में इंजेक्टर ब्लॉक हो जाते हैं और फ्यूल सप्लाई की प्रॉब्लम होती है। दूसरा प्रॉब्लम है कि आपने सारा चीज चेक कर लिया, यानी इसकी बैटरी वोल्टेज को भी चेक कर लिया, ECM को भी चेक कर लिया, वायरिंग हार्नेस को भी चेक कर लिया, उसके बाद भी फ्यूल पंप नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में इंजेक्टर खराब हो जाता है या फिर इंजेक्टर के अंदर वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। अगर आप इंजेक्टर के कपलर को निकाल देते हैं तो उस कंडीशन में भी आपकी गाड़ी कंप्लीट जो है फ्यूल पंप चलना बंद हो जाएगा। और प्रेशर की बात किया जाए तो सबसे पहले यहां से इधर से फ्यूल आता है इसके फ्यूल पंप में, और ये जो एक पाइपलाइन है इसके आउटलाइन जो बना होता है यहां से प्रेशर के साथ जाता है इंजेक्टर में और इंजेक्टर छिड़काव करता है इसके हेड में। इसके अंदर आने वाले जितने भी कॉमन प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट सारी चीजों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं।